सत्यपाल जी, आज एक रजिंदर सिंह जो कि आपके रिश्तेदार लिखे लगते हैं, उनकी जो है हत्या कर रही है, चाकू से रोक कर क्या कुछ लेकर उसमें नहीं है जी। बस राजीव कॉलोनी में बहुत ज़्यादा ही नशा करते हैं लोग, और उसके करके बहुत ज़्यादा स्नैचिंग वगैरह भी होती है, कोई भी मिल जाता है वो ऐसे चाकुओं से मार देते हैं। रजिंदर करते क्या थे, कितने वो दिहाड़ियाँ करते थे जी? हाँ जी, जी सोसाइटियों में मतलब कूड़ा उठाने का काम करते थे। तो उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। तो अपने घर से 2:30 बजे 2:30 बजे उठ के बाहर सड़क पे निकले, या तो उन्होंने कुछ देखा होगा, उनको करने से कुछ रोका होगा। वैसे ये लड़ाई झगड़ा करता नहीं है किसी से, मगर उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा उसको बेरहमी से मारा गया कि मतलब सोच भी नहीं सकता। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं? मांग ये जी हमारी कि उनको जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और जो भी क्राइम ब्रांच के सी स्टाफ की टीम है वो अच्छी से अच्छी टीम लगाई जाए, और उनको पकड़ के बिल्कुल सख्त से सख्त उनकी कार्रवाई की जाए। पंचकुला में इन दिनों चुनाव का माहौल है, और कल जो है वोटिंग होनी है, उसको लेकर आपको बता दें कि DCP हिमाद्री कौशिक के निर्देशों पर पंचकुला में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई थी, नाके लगाए जा रहे थे, पर इस दौरान चंडीगढ़ मौली जागरा के साथ लगते पंचकुला के राजीव कॉलोनी में देर रात एक युवक की चाकुओं से कोद कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद आसपास के एरिए में सनसनी फैल गई और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि एक लहूलुहान अवस्था में एक युवक गली के मोड़ पर पड़ा है, तो पुलिस के कई आला अधिकारी, ACP थाना प्रभारी समेत कई अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे, और उन्होंने शव को कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें मृतक की पहचान 40 वर्षीय रजिंदर सिंह के रूप में हुई है। इन्हों का आरोप है कि पंचकुला में लगातार नशा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई आपराधिक घटनाएं सामने आई है। पुलिस को लगाम लगानी पड़ेगी ताकि आपराधिक तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं आपको बता दें इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पंचकुला पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पंचकुला से मेरे सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ अजीत कुमार झागिरपुर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही